तो जी होंडा सिटी आई है डीजल जनरल सर्विस। क्रॉप करना है। डायरेक्ट फुल हुई तो रोक आउ गई। चलो ये ठीक है। पूरा खलास हो चुका है, चेंज करना पड़ेगा। आगे और पीछे दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे। अब लाइट चेक करेंगे गाड़ी की सभी। हेडलाइट डीपर, फोर इंडिकेटर, तो इस राइट हैंड साइड वाली लाइट में एक फिलामेंट गई है, उसको आप चेंज कर देंगे। बाकी सभी लाइटें चालू कंप्लीट। कट हो गया स्प्रिंग वायर बीच में जो। अब इसका एयर फिल्टर निकल के चेक कर लेंगे।
अब एसी फिल्टर देख लेंगे। अभी क्लीन हो जाएगा, इन्हें डालने लायक है, डालना पड़ेगा। एसी को पुरानी पहला कब देखा होगा। दोनों को एयर लगा के साफ कर देंगे। वेलकम अच्छा है पर कम है, देखना पड़ेगा कहीं से लीकेज है ऐसा कुछ है। ये क्लीन हो गया है, ये ब्रेक ऑयल है वो कम हो गया है, लेकिन वो ब्रेक पैड खत्म होने की वजह से कम हो गया है। ऑटो ऑफ कर देंगे। हाँ वो नए डाल देंगे ब्रेक पैड, वो सही हो जाएगा। यहाँ से लीकेज है फिल्टर बॉडी में से, ऑयल फिल्टर बॉडी में से लीकेज हो रहा है, इसीलिए कम है ऑयल। हाँ इसीलिए ऑयल कम है। उसको क्या करेंगे अब देखते हैं, पहले कितना लीकेज है, जो रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करेंगे, वरना ये बॉडी डालना पड़ेगा। देखते हैं अगर रिपेयर हो जाएगा तो रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जी लीकेज है कवर में, देख सकते हैं आप, कवर पूरा ऑयल वाला हो गया और ये ऑयल भी कम निकला है। फिल्टर को निकाल के अब देखेंगे। ये ऑयल कलर बॉडी है, उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था। वैसे बॉडी तो सही है, लेकिन ये जो पैकिंग रहता है ना वो पूरा फेस हो चुका है, उसकी वजह से शायद यहाँ से लीकेज हो रहा है। हम यहाँ पे सिलिकॉन ट्यूब लगा के वापस लगा देंगे, ठीक है। ये वाला जो पैकिंग है वो थोड़ा बाहर होना चाहिए, अंदर चला गया, इसकी वजह से लीक होता है, उसकी वजह से लीक हो रहा है।
ये ट्यूब हम लगा दिया है, अब हम लगा देंगे ठीक है। तो जी 4.2 लीटर आएगा इसमें ऑयल जो डाल रहे हैं। Thank you.
जो लीकेज हो रहा था वो हो गया कंप्लीट? हाँ वो कंप्लीट हो गया है। ड्राइव लॉन्ग ड्राइव होके आए? लॉन्ग ड्राइव अभी ये कवर लगा देंगे और गाड़ी को वॉश कर देंगे। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।